Hello everyone, welcome to Physics Queen, learn physics in the easiest way. So today we are having a question from CSIR Net 2. We are having it from June 21. आज हम मैथमेटिकल फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड फ्रॉम प्रॉबेबिलिटी. सो आप क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर. अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x takes a value from the set -1, 0, 1, 2. इस सेट से हमें एक रैंडम वैल्यू लेनी है विद द करस्पॉन्डिंग प्रॉबिबिलिटीज. -1 को सेलेक्ट करने की प्रॉबिबिलिटी 3/10, 0 को सेलेक्ट करने की 2/10, 1 को 2/10 एंड 2 को अगेन 3/10 रिस्पेक्टिवली. सो द प्रॉबिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन q ऑफ y, y कुड बी 0, y कुड बी 1 एंड y कुड बी 4. फिर y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर. तो जो भी x आपने सेलेक्ट किया उसका स्क्वायर होना चाहिए. तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0 के लिए, 1 के लिए एंड 4 के लिए. y के 0, 1 और 4 होने की क्या प्रोबेबिलिटीज होंगी. तो एक बात ध्यान रखिए, जितने भी क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी से आज तक पूछे गए हैं सीएसआर नेट में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं और बहुत ईजी अप्रोच के साथ आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. तो यदि आपको प्रोबेबिलिटी को डिटेल में पढ़ना है, तो भी रिसेंटली मैंने अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस ली हैं. आप वहाँ पर जाके प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिटेल में पढ़ सकते हैं, और मैं उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिससे कि आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा उसका, और आप वहाँ जाके फ्री क्लासेस जो है वो अटेंड कर सकते हैं. लेकिन यदि आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं आइकॉनिक या प्लस के लिए, तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, सुरभि लाइव, SURBHILIVE, फॉर 10% डिस्काउंट. इससे जो भी अमाउंट होगा वहाँ पे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, उस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और फ्री क्लासेस आप विदाउट एनी कॉस्ट पे करे देख सकते हैं. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इसमें आप देखिए, आपको टोटल प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज गोइंग टू बी 1. तो यहाँ पर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट करने की डिफरेंट प्रोबेबिलिटी है. तो एक टेबल हम यहाँ पर बना सकते हैं, जिसमें हम लिखते हैं एक्स की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, -1, 0, 1 एंड 2, और इनको सेलेक्ट करने की प्रॉबिबिलिटी पी ऑफ एक्स कैन बी गिवन एज 3/10, 2/10, 2/10 एंड 3/10. दीज आर द प्रॉबिबिलिटीज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन. तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अभी एक नया यहाँ पर y के लिए टेबल बना सकते हैं, जहाँ पे y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो लिख देते हैं. सो यहाँ पर देखिए, y कैन बी गिवन एज 0, 1 और 4. हमें तीन ही वैल्यूज के लिए निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में तीन y की वैल्यूज के लिए प्रॉबिबिलिटी पूछी गई है. तो यहाँ पर आप y की वैल्यू को लिखेंगे एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर 0 का कितना पॉसिबल होगा, इट विल बी 0. अभी यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी कि आप 0 को दो बार सेलेक्ट करें, उसका स्क्वायर कर दें. यहाँ पे 1 को सेलेक्ट करने की प्रॉबिबिलिटी, आप 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और -1 का स्क्वायर भी आपको 1 ही देगा, क्योंकि हमें सेट में से x को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर आपको देगा. आई होप आपको क्लियर होगा, हो गया होगा कि कैसे हम चीज़ों को यहाँ पे लिख रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो दीज आर थ्री पॉसिबल केसेस. अभी इसकी करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं. 0 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी देखिए कितनी है, 2/10. तो हमने 0 को सेलेक्ट किया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई यहाँ पर 2/10. अभी यहाँ पे 1 स्क्वायर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, -1 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं. तो 1 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है आपके पास 2 -1 को 2/10, और -1 की 3/10. सो प्लस हो गया यहाँ पर 3/10 की, या तो ये या फिर ये, इसीलिए दोनों ऐड हो जाएंगी. और 2 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको 3/10, तो यहाँ से डायरेक्टली आप 3/10 कर लेंगे. सो अभी आप अलग अलग प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं. P ऑफ सेलेक्टिंग एज 0, y को 0 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 2/10 एंड इट कैन बी गिवन एज 1/5. P को y इक्वल्स टू 1 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो गई इट्स 5/10. 5/10 हो गया यहाँ से, दैट मीन्स 1/2. एंड द लास्ट वन सेलेक्टिंग एज 4 एज y प्रोबेबिलिटी, 4 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आपके पास हो जाएगी इट्स 3/10. सो दीज विल बी योर आंसर, 1/5, 1/2 एंड 3/10. तो ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इसके करस्पॉन्डिंग. सो इट्स 1/5, 1/2 एंड 3/10. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर. सो थैंक यू एवरीवन. एंड आपके जो फ्रेंड्स हैं, यदि उनमें से भी कोई सब्सक्राइब करना चाहता है, तो आप उनके साथ कोड शेयर कर सकते हैं सुरभि लाइव. एंड साथ ही आप एक इम्पॉर्टेंट ऑफर के बारे में बता सकते हैं, जो भी अनअकैडमी पर चल रहा है. उस ऑफर में आपको क्या होगा, आपको यदि आप 24 मंथ्स के लिए सब्सक्राइब कर रहे हैं, देन यू विल हैव 6 मंथ्स एडिशनल
आपको फ्री मिल जाएंगे, तो आप अपना 43% सेव कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। और 12 मंथ्स के लिए यदि आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपको मिलेंगे 3 मंथ्स फ्री। सो गो फॉर दिस एंड यूज़ द कोड सुरभि लाइव। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।